हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। दोस्तों, यदि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेज में सर्विसेज करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश के जवानों को सैल्यूट करते हुए SBI सौर्या क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च किया है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे एडिशनल फीचर हैं जो आपको और कहीं भी कार्ड में नहीं मिलेंगे। आज की इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो SBI सौर्या कार्ड है उसके क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या ऐसे फीचर हैं कि आपको कार्ड लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आप घर बैठे फ्री में म्यूचुअल फंड के अकाउंट की KYC और स्टॉक मार्केट अकाउंट की KYC करवाना चाहते हैं तो 15 मिनट के अंदर आप म्यूचुअल फंड अकाउंट की KYC करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और अकाउंट ओपन कीजिए बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश को जवानों को सैल्यूट करते हुए स्पेशल SBI सौर्या क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यदि आपका अकाउंट पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज या डिफेंस सैलरी पैकेज है तो आप इस कार्ड को अवेल कर सकते हैं। लगभग एक मिनट के अंदर ही ये कार्ड आप ऑनलाइन जो SBI कार्ड की वेबसाइट है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और मात्र अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके कार्ड को क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस कार्ड की जो स्पेशल फीचर है वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को पता ही है कि हमारे देश के जवान जो सबसे जो ज़्यादा सामान है CSD कैंटीन या CPC कैंटीन के थ्रू ही खरीदते हैं। अगर आप SBI सौर्या क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर सामान कैंटीन से खरीदते हैं तो हर 100 रुपए की खरीदारी पर इस कार्ड से आपको 5 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे और उस रिवार्ड पॉइंट को बाद में आप कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। साथ में अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से अगर परचेज करते हैं तो आपको 50 दिन का जो एडिशनल टाइम है वो मिलेगा। यानी अगर आप आज आपने कोई भी जैसे 500 रुपए की अगर आपने परचेज किया है तो वो 500 रुपए आपको लगभग 50 दिन के अंदर भरने हैं। यानी तुरंत आपको पैसा जैसे ATM से कटता है ऐसे नहीं होगा, आपको लगभग 50 दिनों का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो मिलेगा। और अगर आप और कहीं दूसरी जगह पर 100 रुपए स्पेंड करते हैं तो आपको हर 100 रुपए स्पेंड पर एक रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। SBI सौर्या कार्ड के अंदर एक और एडिशनल फीचर है हमारे देश के जवानों के लिए। अगर खुदा ना कास्ता किसी भी अगर जवान की एक्सीडेंटल के दौरान अगर कुछ हो जाता है तो SBI सौर्या कार्ड के अंदर 2 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल कवरअप का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो दिया जाएगा। और साथ में अगर आपने एक कार्ड ले लिया और आप चाहते हैं कि 1-2 कार्ड और आपको आपकी फैमिली को दिया जाए, यानी एक कार्ड आपके पास रहेगा और 2 एडिशनल कार्ड आप अपने बीवी और पेरेंट्स को दे सकते हैं। यानी एक कार्ड के ऊपर आपको एडिशनल 2 कार्ड और सौर्या क्रेडिट कार्ड के अंदर मिलते हैं। और साथ में एडिशनल बेनिफिट है, अगर आप 50,000 रुपये इसके अंदर साल में स्पेंड कर देते हैं तो जो इसका 250 रुपये का जो सालाना जो टैक्सी जो चार्जेज है वो पूरा वेव ऑफ हो जाएगा। और ये जो स्पेशल फीचर थे सौर्या क्रेडिट कार्ड के अंदर। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आप किसी भी फोर्स जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेज में कार्यरत होने चाहिए और साथ में जो आपका बैंक अकाउंट है वो या तो PMSP या DSP अकाउंट में कन्वर्ट होना चाहिए। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सौर्या क्रेडिट कार्ड है बिल्कुल आपको फ्री में निशुल्क मिलेगा, जिसके ऊपर कोई भी चार्जेज नहीं है। नेक्स्ट ईयर से इसके ऊपर 250 रुपये चार्जेज होंगे, लेकिन अगर आप 50,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं तो ये चार्जेज भी वेव ऑफ हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। इसके अंदर क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट में आपको जो 3 महीने की आपकी सैलरी स्लिप है, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपकी जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है, ये सब चीज़ें, साथ में आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये आपको आपके कोई भी नियरेस्ट जो भी ब्रांच है उधर ले जाके सबमिट कर दीजिए या फिर SBI क्रेडिट कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो कार्ड है उसको अप्लाई कर दीजिए। जो भी रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट होगा आप जहां भी हैं उधर आएगा और आपके डॉक्यूमेंट पिकअप कर लेगा और लगभग 15 दिनों के अंदर आपका जो ये कार्ड है आपके एड्रेस पर या आपकी बैटालियन में पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये थे SBI सौर्या क्रेडिट कार्ड के स्पेशल फीचर। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फोर्सेज में कार्यरत हैं तो तुरंत इस कार्ड को अप्लाई कीजिएगा, इसके अंदर बहुत सारे एडिशनल फीचर मैंने आपको बताया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में आपका कोई कमेंट है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद और हमारे देश के जवानों को वंदे मातरम।